हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनी के बारे में। हम बात करेंगे उसके बेस्ट टीम्स, आर्टिफैक्ट्स, कॉन्स्टेलेशंस और उसके बेस्ट वेपन के बारे में। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप में से 78% लोग मेरी वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं उसके किट के साथ, ताकि आप समझ सके कि लिनी क्या करता है और आपको उसे कैसे प्ले करना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो एक चार्ज अटैक बो यूजर है। उसके चार्ज अटैक्स यूनिक है क्योंकि उसके चार्ज अटैक्स के भी लेवल है, एंड जब भी वो लेवल 2 का चार्ज अटैक होगा वो एक प्रॉप एरो फायर करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सिंगल टारगेट पायरो डैमेज डील करेगा एनिमीज को। इनफैक्ट आप जब भी ये लेवल 2 प्रॉप एरो फायर करोगे आपके लिनी का थोड़ा सा हेल्थ कंज्यूम होगा ताकि आप एक्स्ट्रा डैमेज दे सको। अगर लिनी के पास उसके मैक्स एचपी का 60% है तो फिर उसमें से 20% एचपी कंज्यूम हो जाएगा ताकि वो एक प्रॉप एरो सरप्लस स्टैक गेन कर सके। आप एक साथ मैक्सिमम 5 स्टैक गेन कर सकते हो। ये बात का ध्यान रखना कि आप इस तरह से 60% एचपी के नीचे नहीं जा सकते, एंड आप ये स्टैक्स तभी गेन करोगे अगर आपका एचपी 60% से ज्यादा है। तो लिनी अपने एलिमेंटल स्किल में ये सभी स्टैक्स को कंज्यूम करेगा और डैमेज देगा अपोनेंट को, और साथ ही लिनी को एचपी रिजेनरेट करने में भी हेल्प करेगा। सो इस तरह से अगर आपने पांचों स्टैक्स को गेन कर लिया होगा तो फिर आप काफी तगड़ा डैमेज दे सकते हो और साथ ही अपने लिनी का पूरा एचपी वापस भी हील कर लोगे, क्योंकि आप 20% एचपी गेन करोगे एक स्टैक से। सो अगर आपने 5 स्टैक गेन करेंगे तो फिर आप 100% एचपी गेन कर सकते हो। आप जब भी लिनी का लेवल 2 चार्ज अटैक यूज करोगे आप एक ग्रिन मैल्किन हैट ड्रॉप करोगे। ये ग्रिन मैल्किन हैट बेसिकली आपके अपोनेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा और खुद के ऊपर बिजी रखेगा, जिससे आपका लिनी थोड़ा सा सेफ रहेगा और आप अच्छे से चार्ज अटैक कर पाओगे। इसका टाइम खत्म होने के बाद ये एक एडिशनल पायरो डैमेज देगा एनिमीज को। ये हैट एनिमीज से ज्यादा डैमेज लेने पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर अगर ये ऑलरेडी ऑन फील्ड है तो फिर आप जब भी लिनी का स्किल यूज करोगे ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही आप जब भी उसका चार्ज अटैक यूज करोगे वो एक न्यूमा अलाइन डैमेज भी डील करेगा एनिमीज को, जो कि काफी फाउंटेन एनिमीज के खिलाफ काफी अच्छा हो सकता है। उसके एलिमेंटल बर्स्ट में आप एक कैट में बदल जाओगे। इस फॉर्म में आप जब भी कोई एनिमी के ऊपर से गुजरोगे तो आप उन्हें एक हिट दोगे पायरो डैमेज का, एंड जब भी ये बर्स्ट एंड होगा आप एक बहुत बड़ा पायरो डैमेज का हिट दोगे। आप ये बड़ा डैमेज तुरंत भी डील कर सकते हो उसके एलिमेंटल बर्स्ट को यूज करने के बाद उसका एलिमेंटल स्किल यूज करके। उसके एलिमेंटल बर्स्ट का कूलडाउन है 15 सेकंड्स का और उसका एनर्जी कॉस्ट है 60 का। उसके असेंशन 1 पैसिव में उसके ग्रिन मैल्किन हैट का डैमेज और बढ़ जाएगा और साथ ही आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम करने में भी हेल्प करेगा, अगर आपके चार्ज अटैक फायर करते वक्त आपने एचपी कंज्यूम किया होगा तो। उसके असेंशन 2 पैसिव में आप पायरो से अफेक्टेड एनिमीज को 60% ज्यादा डैमेज दोगे। साथ ही लिनी के अलावा हर एक पायरो कैरेक्टर जो आपके टीम में होगा उनके कारण लिनी का डैमेज 20% से इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप टोटल 100% डैमेज इंक्रीज गेन कर सकते हो। इस वजह से आपको उसके टीम के ऊपर ध्यान देना होगा कि आप उसके टीम में कौन से कैरेक्टर्स को यूज करते हो। आपको लिनी के साथ एटलीस्ट एक और या फिर दो और पायरो कैरेक्टर्स को यूज करना है ताकि आप इस पैसिव का पूरा फायदा उठा पाओ। इस वजह से वो मोनो पायरो टीम्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है रादर देन रिएक्शन बेस्ड टीम, क्योंकि मोनो पायरो टीम में उसका डैमेज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड लास्ट में टैलेंट प्रायोरिटी की बात करूं तो फिर आपको सबसे पहले लेवलअप करना है उसका नॉर्मल अटैक, देन उसका बर्स्ट एंड देन उसका स्किल। लिनी एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है जिसके पास काफी पावरफुल ऑफ फील्ड सपोर्ट्स हैं, खास करके मोनो पायरो टीम्स में। उसका चार्ज अटैक और उसका बर्स्ट उसे एक काफी तगड़ा डीपीएस बना देते हैं। हालांकि उसके कुछ वीकनेस भी है, जैसे कि सिंगल टारगेट फोकस डैमेज, टीम रिस्ट्रिक्शन और लो एचपी एंड डिफेंस। लिनी बिना किसी शील्डर के ज्यादा डैमेज दे पाएगा बट इंटरप्शन प्रॉब्लम और चार्जिंग इश्यूज आ सकते हैं, फिर भी इन लिमिटेशंस के साथ वो काफी तगड़ा डीपीएस है, इसलिए आप चाहो तो उसे पुल कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं उसके बेस्ट आर्टिफैक्ट सेट के बारे में। ये बात काफी साफ है कि उसका बेस्ट आर्टिफैक्ट सेट होने वाला है 4 पीस मेरेचौसी हंटर। इसके 2 पीस सेट में आपका नॉर्मल एंड चार्ज अटैक डैमेज 15% से इंक्रीज हो जाता है, एंड इसके 4 पीस सेट में जब भी आपका एचपी इंक्रीज या डिक्रीज होगा आपका क्रिट रेट 12% से इंक्रीज हो जाएगा 5 सेकंड्स के लिए, एंड आप ये इंक्रीज टोटल 3 बार गेन कर सकते हो। इस तरह से आप टोटल 36% क्रिट रेट इंक्रीज गेन कर सकते हो 5 सेकंड्स के लिए। ये 4 पीस बोनस लेने के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो अपने चार्ज अटैक में खुद का एचपी कंज्यूम करेगा जब भी वो 60% एचपी से ज्यादा एचपी पे होगा, एंड जो कि आप लिनी को एक हीलर के साथ रन करना चाहोगे जैसे कि बेनेट, आप हमेशा खुद को हील करते रह पाओगे और कंटिन्यूअसली अपना एचपी ड्रेन करते रह पाओगे। इससे आपको इस सेट का 4 पीस बोनस ट्रिगर करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। आप दूसरे आर्टिफैक्ट सेट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि 4 पीस रिट्रेसिंग बोलाइट अगर आप शील्ड के अंदर हो तो, या फिर आप 4 पीस वॉन्डरर्स ट्रूप भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप 4 पीस लावा वॉकर भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसके 4 पीस में आप पायरो अफेक्टेड एनिमीज के अगेंस्ट 35% ज्यादा डैमेज दोगे, या फिर आप इन सभी सेट में से कोई भी सेट के 2 पीस कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअली में कौन से स्टैट्स चाहिए आपके लिनी के आर्टिफैक्ट पे। दूसरे मेन डीपीएस की तरह आपको लिनी पे क्रिट रेट, क्रिट डैमेज और अटैक परसेंट चाहिए ताकि आप उसका डैमेज और भी ज्यादा बढ़ा पाए। ये बात याद रखना कि लिनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अच्छा खासा क्रिट रेट गेन करता है एक्सटर्नल सोर्सेज से, एंड अटैक परसेंट भी गेन करता है दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर से जैसे कि बेनेट से। तो जैसे
जैसे कि लिनी अपने असेंशन पर क्रिट रेट गेन करता है जो कि है ऑलमोस्ट 24.2% क्रिट रेट लेवल 90 पे। एंड अगर आप उसे 4 पीस मेरेशोसी हंटर के साथ यूज करते हो तो फिर आपको एडिशनल 36% क्रिट रेट मिल जाता है। इससे उसका नॉर्मल क्रिट रेट ही एटलीस्ट 60% क्रिट रेट हो जाता है। इसीलिए आपको आर्टिफैक्ट्स में क्रिट रेट से ज्यादा क्रिट डैमेज पे ध्यान देना है एंड देन उसके बाद क्रिट रेट, अटैक परसेंटेज एंड एनर्जी रिचार्ज पे ध्यान देना है। एंड आपको ऑलमोस्ट अराउंड 120 टू 140 एनर्जी रिचार्ज की जरूरत है। सो ज्यादा एनर्जी रिचार्ज पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए आपको चाहिए अटैक परसेंटेज ऑन द सैंड्स, पायरो डैमेज बोनस ऑन द गॉबलेट एंड क्रिट रेट और क्रिट डैमेज ऑन द सर्कलेट। एंड सब स्टैट्स में आपको फोकस करना है क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक परसेंटेज एंड एनर्जी रिचार्ज पे। तो चलिए अब बात करते हैं उसके बेस्ट वेपन के बारे में। 5 स्टार वेपन ऑप्शन में उसका सबसे बेस्ट वेपन होने वाला है उसका सिग्नेचर वेपन द फर्स्ट ग्रेट मैजिक। ये वेपन उसका ओवरऑल सबसे ज्यादा बेस्ट वेपन है। ये वेपन आपको काफी ज्यादा क्रिट डैमेज देता है और साथ ही आपके चार्ज अटैक का डैमेज भी इंक्रीज करता है। इसी के साथ साथ ये आपको अटैक परसेंटेज भी देता है। इस वेपन को यूज करने वाले यूजर के एलिमेंटल टाइप के दूसरे कैरेक्टर के होने से आपका अटैक 16, 32 या 48% से इंक्रीज हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लिनी को ये बो देते हो तो आपका अटैक 16% से इंक्रीज हो जाएगा। अगर साथ में आप कोई दूसरा पायरो कैरेक्टर यूज करते हो जैसे कि बेनेट तो फिर आपका अटैक इंक्रीज होगा 32% से। एंड अगर साथ में आप शैंगलिंग को भी यूज करते हो तो फिर आपका अटैक इंक्रीज हो जाएगा 48% से। इसके बाद इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है एक्वा सिमुलाक्रा। इसमें भी आपको काफी ज्यादा क्रिट डैमेज मिलता है और साथ ही इसके पैसिव से भी आपको काफी अच्छा डैमेज इंक्रीज मिल जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड बेस्ट ऑप्शन होगा थंडरिंग पल्स, क्योंकि इसमें भी आपको अटैक इंक्रीज मिलता है और साथ ही आपको क्रिट डैमेज में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। आप चाहो तो फिर क्रिट रेट देने वाले वेपन्स भी यूज कर सकते हो जैसे कि पोलार स्टार या फिर स्काईवर्ड हार्प, बट इससे आपके लिनी पर ज्यादा क्रिट रेट हो सकता है एंड मे बी उसके पास जरूरत जितना क्रिट डैमेज ना हो। बट ऑनेस्टली लिनी को 5 स्टार वेपन की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके पास काफी ज्यादा 4 स्टार वेपन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बैटल पास ऑप्शन में विरिडेसेंट हंट या फिर सायन ऑफ ब्लेजिंग सन भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो भी आपको काफी अच्छे स्टैट्स देते हैं। उसके पास एक काफी अच्छा फ्री टू प्ले ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्राफ्टेबल वेपन प्रोटोटाइप क्रेसेंट एक अच्छा ऑप्शन है लिनी के लिए। ये आपको काफी सारा अटैक देता है नॉट ओनली एज मेन स्टैट बट पैसिव में भी ये आपको अच्छा खासा अटैक दे देता है। दूसरे ऑप्शन में आप ब्लैक क्लिफ वॉरबो और सॉन्ग ऑफ स्टिलनेस भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको लिनी के बारे में कुछ एडवांस टिप्स दे देता हूँ। जैसे कि मैंने टैलेंट सेक्शन में बताया था, आप आपके लिनी का बस्ट इंस्टेंटली कैंसिल कर सकते हो उसके स्किल को यूज करके। एंड मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप उसे जल्द से जल्द कैंसिल कर दे, क्योंकि इस तरह से आप टाइम भी बचा पाओगे और ज्यादा डैमेज भी दे पाओगे। एंड जो कि लिनी एक बहुत ही तगड़ा डैमेज डीलिंग कैरेक्टर है, आपको आपके बाकी सारे सपोर्ट के बफ और एबिलिटीज को पहले यूज करना है, जैसे कि बेनेट का बस्ट या फिर अगर कोई एनिमो कैरेक्टर है तो फिर विरिडेसन वेनेरल सेट के पैसिव को अप्लाई करें, शील्ड यूज करें एंड देन अपने लिनी में स्विच करके डैमेज दें। एंड एक और बात याद रखना कि आपको आपके लिनी के स्किल को एटलीस्ट 5 चार्ज अटैक के बाद ही यूज करना है ताकि आप आपके स्किल का पूरा फायदा उठा सके। तो चलिए अब बात करते हैं उसके कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। ये बात याद रखना कि लिनी C0 पे भी काफी तगड़ा कैरेक्टर है, इसीलिए उसके कॉन्स्टेलेशंस निकालना ज्यादा जरूरी नहीं है। बट फिर भी अगर आपको उसके कॉन्स्टेलेशंस निकालने हैं तो फिर ये रहे सारी डिटेल्स। उसका C1 एक साथ 2 ग्रिन मेल्किन हैट्स को ऑन फील्ड रहने देता है, साथ ही वो एक चार्ज शॉट पर 2 ग्रिन मेल्किन हैट को समन करता है। ये काफी अच्छा है पर ये सिर्फ हर 15 सेकंड्स में एक बार ट्रिगर हो सकता है। उसके C2 में वो क्रिट डैमेज गेन करता है जो डिपेंड करता है कि कितने देर वो ऑन फील्ड है। हर 2 सेकंड में वो 20% क्रिट डैमेज गेन कर सकता है एंड ये टोटल 3 बार हो सकता है, सो टोटल ऑफ 60% क्रिट डैमेज। उसका C3 एंड C5 उसके टैलेंट का लेवल इंक्रीज करता है। उसका C3 उसका नॉर्मल अटैक लेवल इंक्रीज करता है एंड उसका C5 उसके बर्स्ट का लेवल इंक्रीज करता है। उसके C4 में जब भी कोई अपोनेंट लिनी के चार्ज अटैक से हिट होगा, उस अपोनेंट का पायरो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा 20% से 6 सेकंड्स के लिए। उसका C6 बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि जब भी वो प्रॉप एरो फायर करेगा तब वो साथ में एक पायरो टेक्निक स्ट्राइक भी देगा जो कि एक अच्छा खासा एडिशनल डैमेज सोर्स बन जाता है। सो ओवरऑल उसके सभी कॉन्स्टेलेशंस काफी तगड़े हैं, बट वो C0 पे भी काफी अच्छा चल जाता है, इसीलिए उसके कॉन्स्टेलेशंस निकालना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट फिर भी अगर आपको निकालना है तो फिर C2 पर आके आप रुक सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं उसके बेस्ट टीम्स की। तो जैसे कि मैंने बोला था, आपको मोस्टली एक मोनो पायरो टीम यूज करना है लिनी के लिए। इसका मेन रीजन ये है कि उसके पास काफी तगड़े पायरो सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं जो कि लिनी के पैसिव टैलेंट का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा डैमेज इंक्रीज दे सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा टीम ही पायरो कैरेक्टर से भरा होना चाहिए। आपको यूजुअली 2 से 3 पायरो कैरेक्टर्स रन करने हैं इंक्लूडिंग लिनी एंड दैट शुड बी मोर देन इनफ। एंड 4th स्लॉट में आप कोई भी एक दूसरा बफर, शील्डर या हीलर कैरेक्टर यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आपका जनरल टीम होगा लिनी के साथ बेनेट को यूज करना, जिसका रीजन मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। एंड साथ ही 2 फ्लेक्स कैरेक्टर्स को यूज करना, पहला एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको डिफेंस में हेल्प कर सकता है और शील्ड दे सकता है एंड दूसरा एक ऐसा ऑफेंसिव फ्लेक्स कैरेक्टर जो आपको अटैक इंक्रीज में हेल्प कर सकता है या फिर आपके पूरे टीम को बफ कर सकता है जैसे कि काजुहा। सो मेन रीजन
डिसीजन आपको लिनी के साथ बेनेट यूज करने का ये है कि ना सिर्फ बेनेट उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट है बट वो उसके साथ परफेक्टली सिनर्जाइज करता है, क्योंकि बेनेट आपको हील करता रहेगा जब भी आपका एचपी 70% से कम होगा एंड वो आपको अप टू 70% एचपी तक ला देगा जल्द से जल्द। साथ ही लिनी के किट की वजह से आप कॉन्स्टेंटली एचपी लूज करके पावरफुल चार्ज अटैक्स कर पाओगे। इन दोनों ही वजह से लिनी के मैरेशोसी आर्टिफैक्ट सेट का पैसिव ट्रिगर करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। साथ ही लिनी के पैसिव टैलेंट से भी आप अटैक इंक्रीज गेन कर पाओगे और एलिमेंटल रेजोनेंस की वजह से डबल पायरो के होने से आप 25% तक अटैक इंक्रीज गेन कर लोगे एक्स्ट्रा। इसी के साथ आपको एक शील्डर भी चाहिए जो आपको इंटरप्शन रेसिस्टेंस में हेल्प करेगा। इस रोल में जोंगली बड़ा ही अच्छा होगा। जोंगली टेनेसिटी ऑफ द मिलिट्री सेट का इस्तेमाल करके एनिमीज का रेजिस्टेंस भी कम कर देगा। आप चाहो तो फिर दूसरे ऑप्शन भी यूज कर सकते हो जैसे कि लेला या फिर किरारा। एंड लास्टली आप चाहो तो फिर एक एनिमो कैरेक्टर जैसे कि काजुहा, जीन या सुक्रोज भी यूज कर सकते हो बफिंग एंड रेजिस्टेंस श्रेड के लिए, या फिर आप कोई थर्ड पायरो कैरेक्टर जैसे कि शांगलिंग को भी यूज कर सकते हो और ज्यादा डैमेज एंड पायरो एप्लीकेशन के लिए। ओवरऑल उसकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको मोनो पायरो टीम रन करना है एंड मोनो पायरो टीम में भी आपको एटलीस्ट ट्रिपल पायरो सिंगल फ्लेक्स या फिर डबल पायरो डबल फ्लेक्स कैरेक्टर को यूज करना है। एंड उसके टीम ऑप्शंस देखने हो तो फिर ये रहे कुछ टीम ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर आप उसे काजुआ के साथ यूज कर सकते हो ट्रिपल पायरो टीम में, ताकि आप काजुआ से खुद के डैमेज को बफ कर पाओ, या फिर आप उसे ट्रिपल पायरो के साथ यूज कर सकते हो जोंगली के साथ, जहां पे जोंगली आपको अच्छा खासा डिफेंस और रेजिस्टेंस टू इंटरप्शन दे सकता है, या फिर आप उसे डबल पायरो डबल फ्लेक्स के साथ भी यूज कर सकते हो जहां पे आप बेनेट के साथ खुद को हील करते रहोगे, काजुआ के साथ आप खुद के डैमेज को इंक्रीज करोगे एंड जोंगली के साथ आप खुद को रेजिस्टेंस टू इंटरप्शन दे पाओगे, या फिर आप उसे डेहिया के साथ भी यूज कर सकते हो जिसके पैसिव से आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस टू इंटरप्शन मिल जाएगा। सो या ओवरऑल लिनी एक काफी तगड़ा पायरो कैरेक्टर है एंड आप चाहो तो फिर उसे पुल कर सकते हो अगर आपको उसका प्ले स्टाइल पसंद है तो, बट आपको उसे निकालने के लिए फोर्स्ड फील नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कोई मस्ट पुल कैरेक्टर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस बिल्ड गाइड से आपको समझ आ गया रहेगा कि लिनी को कैसे यूज करना है और उसे कैसे बिल्ड करना है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो फिर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो या फिर मेरे लाइव स्ट्रीम पर आके मुझसे डायरेक्ट हेल्प मांग सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी दूसरे बिल्ड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।